इसके बाद थर्ड है हमारे पास कॉलमनार एपिथीलियम। तो अगर आप कॉलमनार एपिथीलियम की बात करते हैं तो कॉलमनार एपिथीलियम ये है हमारी रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल्स। इसमें जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप्ड के, कुछ इस तरीके के। अब देखो क्यूबॉइडल और कॉलमनार, इनमें हम डिफरेंस कैसे पता लगाते हैं, तो डिफरेंस ऐसे पता लगाते हैं जो क्यूबॉइडल होती है इनमें जो न्यूक्लियस होगा सेल का वो होगा बिल्कुल सेंटर में, लेकिन कॉलमनार के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो कभी सेंटर में नहीं मिलेगा आपको, या तो नीचे मिलेगा या ऊपर मिलेगा, मतलब कहने का एक साइड को मिलेगा। तो इससे पता चलता है ये कॉलमनार एपिथीलियम है। ठीक, ये इनकी पहचान है क्यूबॉइडल और कॉलमनार की। ठीक है, ऐसे इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। अब आगे इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये भी एब्जॉर्प्शन में काम करती है, पर इसका मेन रोल एब्जॉर्प्शन में ही है। जैसे कि इट ऑल्सो हैज़ गॉबलेट सेल्स, इसके अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं। गॉबलेट सेल म्यूकस सीक्रेट करते हैं, स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक के अंदर प्रेजेंट होगी, इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, इट ऑल्सो हैज़ विलाई सीलिया एंड गॉबलेट सेल्स। ठीक है, ये इनके अंदर मौजूद रहते हैं। ठीक, तो ये कॉलमनार एपिथीलियम की एक पहचान है।